हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर बट व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो मैंने पहले तुम लोग को बता रखा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो अधिकतर टाइम रियल इमेज बनाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस उसका क्या होता है, रियल इमेज का होता है। वर्चुअल इमेज वो तभी बनाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आज हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, और तब हम वर्चुअल इमेज का केस देख के मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, दैट इज 1/u + 1/v = 1/f। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं साइड में। कॉनकेव मिरर ये होता है जिसका रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो इनर साइड से होता है। उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इनर साइड से होगा। सो दिस इज द पॉलिश्ड पार्ट, ये मैंने बता रखा है। मान लो यहाँ पे एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या किया है, ये हमारा पोल है और ये हमारा क्या है, मान लो फोकस है। पोल और फोकस के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेनली 3 रे ऑफ लाइट लेके चलेंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम वो 3 रे ऑफ लाइट कौन सा है, सबसे पहले अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। तो ये एक रे ऑफ लाइट है जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन सीधी कर लेना, विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट है जो फोकस से पास कर रही है। सेकेंड हम अब एक रे ऑफ लाइट लेके चलेंगे जो कि क्या होगा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगा। तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो ये रेज ऑफ लाइट मिलेंगी नहीं क्योंकि ये पैरेलल है, तो हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे भी ये मिलेगी तो वहाँ पे हमें क्या होगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया है। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। अब मैं कुछ नोटेशन यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि चीजें हमें ज्यादा इजी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो बी पी क्या है, पोल, एफ क्या है, फोकस। तो पोलर फोकस मतलब पी एफ जो है हमारा, पोलर फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो वो फोकल लेंथ होगा, लेकिन फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, माइनस एफ। तो ये हमने ले लिया। फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज पी सी क्या होगा हमारा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जितनी भी डायरेक्शंस है जो लाइट के ऑपोजिट में हम लेके चलेंगे ना उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो इंसिडेंट लाइट के साथ में डायरेक्शंस होंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि अगर हम देखें पी बी डैश, तो पी बी डैश क्या है, इस तरफ है और रे ऑफ लाइट भी किधर है, इधर चल रही है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा बी, तो इसे हम क्या लेंगे, प्लस वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बी पी, तो बी पी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन वो नेगेटिव में हम लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यू माइनस यू, ये हमारा प्लस वी, ये हमारा हो गया फोकल लेंथ, और ये सी पी हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। अब हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था पिछले डेरिवेशन में कि हमें सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होंगे, जिनके दो एंगल्स क्या हो, सेम हो, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल कौन से देखेंगे, तो सबसे पहले अगर तुम ध्यान दो तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, इन दो ट्राइंगल पे ध्यान दो, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, अगर इस पे ध्यान दो तो इसका एंगल सी दोनों के लिए कॉमन है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी ये क्या है, 90 डिग्री। तो अब इसका मतलब ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के अब हमें क्या करना है, साइड्स के रेशियो लेना है, ठीक है। तो हम इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसका बेस बाय इसका बेस लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसका बेस बाय इसका बेस, तो क्या हो जाएगा, बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन वन।
अब हमें एक और सिमिलर ट्राइंगल लेना है। जिसने पिछले वीडियो देख रखी है उसे ये बात समझ आ जाएगी कि हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट लेंगे जो कि क्या होगा, जो पोल पे इंसिडेंट होगा, और पोल पे जो रे ऑफ लाइट जितने एंगल से इंसिडेंट होता है वो उतने से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे तो मीट होगा नहीं, तो हम इसे बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे और ये यहाँ पे इसको पास करके जाएगा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा, लाइनें थोड़ी सीधी नहीं है, लेकिन अपनी कॉपी में तुम लोग सीधे कर लेना। ठीक है, तो अब अगर देखो तुम लोग, तो अब तुम्हें कौन सा ट्राइंगल दिखेगा, अब हमें सिमिलर ट्राइंगल देखना है। तो देखो कौन सा ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी, इन दो ट्राइंगल्स पे ध्यान। अगर हम इन ट्राइंगल्स पे ध्यान दें तो देखो ये एंगल्स क्या है, ऑपोजिट एंगल में सिमिलर है, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, कौन से ट्राइंगल, ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, तो अब हम इनके साइड्स का रेशियो लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका बेस बाई इसका बेस, तो क्या हो जाएगा, बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। अब अगर हम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अगर दोनों इक्वेशन एक और दो को अगर कंपेयर करोगे तो दोनों का ये वाला साइड सिमिलर है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, अब हमें ये सारे डिस्टेंसेस देखने हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोल। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने जाएंगे। ठीक है, तो बी डैश सी क्या है, बी डैश सी, बी डैश सी है, तो क्या मैं इसे बी पी, बी डैश पी प्लस पी सी लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हम बी डैश सी को क्या लिखेंगे, बी डैश पी प्लस क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन क्या हो जाएगा, अब हमें बी सी, बी सी देखना है, तो बी सी क्या है, ये वाला डिस्टेंस, तो क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ, दिस माइनस दिस, ये करेंगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, तो हम बी सी को क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी डैश पी क्या है, बी डैश पी हमारा कुछ नहीं, इसे ऐसे ही ले रहे, तो ये हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस ना, तो इमेज डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव में लेंगे तो प्लस वी हो जाएगा अपॉन क्या होगा, बी पी, बी पी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस यू हो गया, अब इनको लिख लो ये क्या क्या है, तो बी डैश पी हमारा क्या है, बी डैश पी ले लो या फिर क्या ले लो, बी डैश पी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, बी डैश पी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो हम इसे क्या लेंगे, प्लस वी। पी सी क्या है हमारा, पी सी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि नेगेटिव आएगा, तो ये क्या होगा, माइनस आर। ठीक है, फिर ये क्या होगा, पी सी, पी सी हमारा क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर, और पी बी हमारा क्या है, पी बी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू, तो प्लस यू इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस यू। हाँ, तो अब इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी आर प्लस यू वी। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये डिजायर्ड इक्वेशन है जो आ गया। अब हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू वी वाले टर्म्स एक जगह ले लेते हैं, तो हम इसको वहां भेज दो और इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, यू आर प्लस वी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू यू वी। अब क्या करो, पूरे इक्वेशन को यू वी आर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय यू वी आर, तो क्या हो जाएगा, यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू यू वी अपॉन यू वी आर। ये हुआ, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अगर चीज़ें नहीं दिख रही है तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ, हम इसे क्या लिखेंगे, यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू यू वी अपॉन यू वी आर। तो U से U कट गया, V से V कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 बाई आर, यहाँ पे क्या होगा, वी आर एक दूसरे को कट कर जाएगा, तो 1 अपॉन U प्लस यू आर कट गया यहाँ पे, तो 1 अपॉन V। अब हमें पता है R बाय आर, 2 बाई आर क्या होता है, हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर,
फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे 2/r लिखा है, तो हम यहाँ पे 1/f कर देंगे. तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 1/v + 1/u = 1/f, जो कि हमारा होता है मिरर फॉर्मूला. तो ये आज हमने केस डिराइव किया है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. तो यही दो केसेस होते हैं जो कॉनकेव के लिए पूछे जाते हैं कि मिरर फॉर्मूला को डिराइव करो इधर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, या फिर वर्चुअल इमेज का केस होता है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो अब हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे कॉनवेक्स का केस. आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो. थैंक यू एंड बाय.